much PTV Sports for showing this, but Bhag Najma Bhag. नजमा कहाँ है? नजमा मेरी बहन कुकिंग कर रही थी, क्या कर रही थी, किनको भेजा हुआ है भाई? यूनिटी में इतना सीरियस है कि नजमा परवीन के लिए पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने 2000 हिंदुस्तान जिसकी 1,300 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। कंटिन्यूटी में इतना सीरियस है कि नजमा परवीन के लिए पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने 2019 में रिकमेंडेशन भेजी थी उसकी परफॉर्मेंस पे, कैसे ओलंपिक्स में जाना चाहिए। उस वक्त उसका जो टाइम था 23.1 कुछ था, जो कि दैट वाज अ वेरी गुड टाइम। अच्छा, उसके बाद 2019 और 2021 रिकमेंडेशन को उठा के पीओए ने अपने पास रखा और उस लड़की ने बाद में शादी कर ली और घर पर चली गई। अच्छा, पीओए ने पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के लिखने के बावजूद कि ये उन्होंने कैंप में कॉल किया, उसने रिपोर्ट नहीं किया, उसने रिपोर्ट नहीं किया किसी को। नेवर, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, उसने कोई फिटनेस टेस्टिंग नहीं थी, बिल्कुल दुरुस्त बात है इकबाल भाई आपकी, और वो ओलंपिक्स में जा रही है। और अच्छा, क्यों भेजा गया फिर, मैं वो भी बताता हूँ। इसलिए कि जो आपने बात की थी और इकबाल भाई ने बात की कि सियासी रिश्वत जो दी जाती है खेलों में, वहां पर कोई एक ऐसी कोच को उसके साथ भेजना था जो कि कोच नहीं है, कोच के कोटे पर कुछ शगुफ्ता नामी खातून है, मैं भी नहीं जानता कौन है उनको, यानी आप इंटरनेशनल एथलीट होंगे, एथलेटिक्स के कोच को नहीं जानते, सुन रहे होंगे आप लोग जी। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि वो सर्टिफाइड कोच नहीं है, पर आप इसको कहीं से भी तहकीक करा लें। और वो ओलंपिक जैसे इवेंट में सिर्फ इसलिए कोच की कैपेसिटी में जा रही है उस लड़की के साथ कि उसने उसको पेड हॉलीडेज एंजॉय करनी थी, ओलंपिक को एंजॉय करना, कराची में या और मुल्क में नहीं है उससे बेहतर टाइम वाली। मैं बता रहा हूँ सब चीजें बताता हूँ। देखिए, इस वक्त कराची में कम से कम 4 लड़कियां 26 सेकंड की और उससे ऊपर की मौजूद है। अच्छा, ईशा अफान नेशनल जूनियर चैंपियन, यूथ चैंपियन 26.1 कुछ टाइम करके, और मजीद लड़कियां मौजूद है कराची जैसे शहर में। अच्छा, जूनियर को लेके जाते अगले ओलंपिक्स में तैयार होती है। बात तो भी छोड़ देना, कराची में मौजूद है, सिर्फ कराची में ये 28.1 कुछ टाइम, तो यहाँ कराची में कोई लड़की तीसरी नहीं होगी। अच्छा, 3 भी उससे बेहतर है, नहीं होगी। अब ठीक है, वो उसका टाइम था, उसके बाद शादी कर ली, घर चली गई। आपने उसको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जो रिफ्ट है वो जनरल अकरम साई के साथ है, पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के साथ नहीं है। मैं न्यूट्रल हूं, आप जानते हैं मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ता। उस चक्कर में आपने ना सिर्फ ये किया और दूसरी तरफ ये आपने पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन को, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं कह रहा अरशद को, इसलिए फैसिलिटेट नहीं किया, इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि वो आपकी मनपसंद एसोसिएशन से ताल्लुक नहीं रखता। सर, जनरल आरिफ हसन और जनरल साई साहब की जो लड़ाई है ना, उसने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स को, चाहे वो इधर हो या इधर हो, जहां पर भी। मैं न्यूट्रल होकर बात करूं, देखिए मैं 7-8 साल से मैं जाता हूं मुकाबलों में, मैं एचसीसी की तरफ से जाता हूं, मैं कभी सिंध, मैं अपना इदारा है ना, अकरम साई साहब हमेशा जिक्र करते रहे, बात हुई यह बच्चा तैयार हो रहा है ये करेगा, और हम लोग एथलीट्स है ना, हमारा तबका है, हम देखते हैं वो प्रोग्रेस करता रहा ना ना, इसको पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने कभी सीरियस लिया ना सपोर्ट किया। देखिए एक चीज तो है, क्या उसने किसी के ऊपर उंगली उठाई जैसे तला ने उठाई? उसने नहीं उठाई कोई उंगली, नहीं उठाई। उसको मुख्तलिफ मुमालिक में पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन ने अपने जराये से, पीओ की मदद से नहीं, पीएसबी के में अपने जराये से उसको भेजा। उसको मैं एक चीज समझा क्यों, क्योंकि अकरम साही, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, वो खुद एक इंटरनेशनल एथलीट रहे, मैं एथलीट के से, और उनको बैन भी लगा हुआ है, बट वो लगता रहे, मेरा इससे ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो बहुत सफाई से बात कह रहा हूँ कि उस शख्स ने, एक शख्स, मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ कि काश नजमा क्वालिफाइंग राउंड में जीत जाए। अब आप लोगों की दुआओं पे है, अब आप लोगों की दुआओं पे भी है
भाईजान दुआ में भी असर होना चाहिए ना, हर चीज फिटनेस हर चीज उस पर तो नहीं होगा। अब फैसलाबाद की नजमा भी भागेंगी 200 मीटर पे, अब नजमा भागेगी, अब नजमा भागने से मुल्क का कोई फायदा होता है कि नहीं होता? ये भाई पीटीवी पे लाइव आ रहा है भाई, वो रहा पाकिस्तान का झंडा। ये बहुत खतरनाक लग रही है मुझे भाई, ये लड़कियां हैं भी हैं कि नहीं है? हमारी बहन का मुकाबला इतनी खतरनाक जगह पे हो रहा है, हमारी बहन का मुकाबला हो किन से रहा है? ज्यादती है ना, ये देखो ये क्या आइटम है भाई ये। चलो भागो नजमा, कम ऑन नजमा, थैंक यू सो मच पीटीवी स्पोर्ट्स फॉर शोइंग दिस, बट भाग नजमा भाग, ये पीछे गोरी सबसे पीछे हो गई क्या? उड़ी नजमा कहाँ है? नजमा कहाँ है? नजमा मेरी बहन कुकिंग कर रही थी, क्या कर रही थी, किनको भेजा हुआ है भाई? और नजमा कहाँ है भाई? वो आई अभी मेरी बहन। बाजी मतलब बाजी लास्ट आई हो क्या? चलो कोई बात नहीं, उसके साथ कोच भी नहीं गया होगा देखना। ये अच्छा ये है नजमा मेरी बहन, हमारी बहन भागी। ये भाई देखो ना, ये तो ब्लैंका, वो स्ट्रीट फाइटर की ब्लैंका लग रही है, इससे क्या मुकाबला करा रहे हो हमारी बहन का? वो देख रहे हो वो पकड़ में नहीं है किसी की वो इंसान। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, ये पाकिस्तान की धावक नजमा परवीन नाम है इनका, और इन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ये में इनका रिकॉर्ड था 23 सेकंड में 200 मीटर रेस का, लेकिन उसके बाद इन्होंने शादी कर ली और इसके बाद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने इनको 2021 में भेज दिया ओलंपिक में। अब आपको पता होगा ये फेमस क्यों हो रही है, ये फेमस हो रही है एक वीडियो की वजह से जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, जिसमें वकार ज़का ने इंटरेस्टिंग कॉमेंट भी किया। वकार ज़का को आप जानते होंगे कैरी मिनाटी की वजह से इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस हो गया ये बंदा कि क्या बताऊँ। कैरी मिनाटी ने जिसको रोस्ट करके फेमस किया है ना, वो आपने शायद अगर वो वीडियो देखे होंगे तो डेफिनेटली आप वकार ज़का को जानते होंगे। तो दोस्तों उसने ऐसी कमेंट्री की कि वो डेफिनेटली काफ़ी मतलब आपको हंसी आई होगी उस कमेंट्री के बाद, और फिर नजमा को लेकर इंडिया में काफ़ी जोक बनने लगे और ये वीडियो काफ़ी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हुआ और काफ़ी शेयर किया गया सोशल मीडिया पर कि कहाँ गई नजमा। तो नजमा परवीन को मतलब अब शायद पाकिस्तान में इन्होंने मतलब जुगाड़ से ये पहुँच गई और 28 सेकंड में इन्होंने अपनी रेस पूरी की। इनका बेस्ट था 23 सेकंड पाकिस्तान में 2019 में, अगर 23 सेकंड में ये कर लेती तो डेफिनेटली ये क्वालिफाई कर जाती है। तो ये थी नजमा परवीन की स्टोरी। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान हो, भारत हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, यहाँ पर ओलंपिक गेम्स को खा जाता है क्रिकेट, ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन इंडिया ने बहुत इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और इंडिया की स्पोर्ट मिनिस्ट्री का एक बयान था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि 2028 होगा पाकिस्तान बोल रहा हूँ मैं, इंडिया के लिए एक मतलब ऐसा ओलंपिक जिसमें भारत सबसे अच्छा देगा। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, आपने देखा होगा भारत के जो कोचेस हैं वो ज़्यादातर फॉरेन कोचेस हैं। आपने देखा होगा पीवी सिंधु का कोच, आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा का कोच, आपने देखा होगा गोल्फर, आपने देखा होगा बॉक्सर, रेसलर, इवन बजरंग पूनिया का कोच विदेश से है। तो ये इन्वेस्टमेंट चालू हो गया है दोस्तों, रिजल्ट अब हमें डेफिनेटली इस ओलंपिक के बाद अगले ओलंपिक में जो निचले लेवल पर, जैसे आपने देखा होगा राहुल द्रविड़ नीचे कोचिंग करते हैं तो वहाँ से बंदे अच्छे आते हैं, ऊपर तो कोचिंग की जरूरत नहीं रहती है, नीचे अगर कोचिंग करके आप बंदे ऊपर अच्छे भेजोगे तो वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस देंगे। मतलब उसको उस एज में कोचिंग की जरूरत रहती है जिस एज में उनको सबसे ज़्यादा मतलब ग्रो करते हैं वो। तो आप समझ जाइए दोस्तों कि अब भारत का उम्मीद करता हूँ कि ये क्रिकेट की डोमिनेंस तो ख़त्म होने वाली है नहीं। आपको भी पता है क्रिकेट का एक आईपीएल का गेम सारे ओलंपिक की व्यूअरशिप से बड़ा होता है और ये एक सच्चाई है, क्रिकेट सारे गेम को खा जाता है।
अब ये ओलंपिक के जो जितने भी लोग हैं, शायद किसी गेम के खिलाड़ी को, हॉकी कप्तान को शायद कई लोगों ने ओलंपिक के बाद जाना होगा। ये सिचुएशन है इंडिया की, हॉकी के कैप्टन का नाम इंडिया को अब पता चला होगा। तो ये भी सच्चाई है कि हॉकी इतना फेमस गेम नहीं है, अब रह गया क्रिकेट के आगे। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में अगर ये लोग परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, खुद की दम पर अगर कुछ करते हैं, तो ये अपना नाम डेफिनेटली लोगों के दिमाग में घुसेड़ने के लिए मतलब करेंगे कोशिश। अब उम्मीद करते हैं कि इंडिया ने गोल्फ जैसे स्पोर्ट में मतलब अदिति अशोक का नाम दुनिया के सामने आया कि एक भारत की प्लेयर है जो जिसकी रैंकिंग 200 थी, वो चौथे नंबर पर फिनिश करती है। बहुत अनलकी रही वो कि वेदर सिचुएशन और बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में नहीं गई, नहीं तो वो डेफिनेटली टॉप 3 में तो आती। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार दें, कमियाँ को कॉमेंट बॉक्स में लिखें।